फ्रेंड्स, आज मैं आपको छोटे बेबी के लिए पैंट कैसे बनानी है ये देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने तो इसके ऊपर का जो टॉप है वो तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे हमें इसके नीचे की जो पैंट है वो भी बनानी है। तो वो कैसे बनानी है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जैसे हम टॉप बनाते हैं या जबला बनाते हैं, तो जबला तो हमने बना लिया है, लेकिन हमें पैंट बनानी बाकी है। अभी आपको छोटी पैंट चाहिए या 3/4 पैंट चाहिए या फुल पैंट चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना लेना है। लेकिन जब भी हम फुल पैंट बनाते हैं या 3/4 बनाते हैं या छोटी बनाते हैं, हम छोटी भी बनाएंगे तब भी बड़ी पैंट बनाने का तरीका एक जैसा है। सिर्फ यहाँ पे जो आसन है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी कमर का जो नाप होता है वो भी सेम होता है, लेकिन लंबाई जो है सिर्फ लंबाई बढ़ जाती है और यहाँ पर आपका आसन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो बहुत सिंपल ही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो कपड़ा जो है, जैसे हम पैंट बनाने के लिए जब हम कपड़ा लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आधा मीटर चाहिए, 1 मीटर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर में कॉटन का जो कपड़ा होता है, कुछ भी कॉटन का, जैसे कुर्ती में से बच जाता है, सलवार में से बच जाता है, या और भी हमारा जैसे हमें इसे वेस्ट कपड़ा जो होता है, जैसे कोई भी सिलाई का काम करते हैं उसमें से थोड़ा सा कपड़ा जो बच जाता है, तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरह से हम ये पैंट जो है बना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इसको खूब ज़्यादा कपड़ा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसकी लंबाई लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है, अब किसी किसी को ये बॉटम लंबाई ज़्यादा लेनी होती है, लेकिन हमें अंदर के साइड में फोल्ड करते हैं, तो पहले से ही आपको इस तरह से आपको नीचे के साइड में पट्टी कितनी रखनी है उसे आपको, आप चाहे तो इसे फोल्ड भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेंगे उसके बाद उसके बाद आप सिलाई करेंगे तो भी चल जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बार इस तरह से फोल्ड किया है और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप इसकी लंबाई लेना चाहते हैं तो जैसे कपड़ा कम है, समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, नीचे के साइड में आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है। किसी किसी को ज़्यादा हो चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जैसे लंबाई हमें ज़्यादा लेनी है, तो इस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हो, बाद में आप खोलेंगे इसको तो इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। जितनी आपको लंबाई चाहिए उसके हिसाब से आपको इस तरह से एक बार और दोबारा फोल्ड करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से मैंने आपको ये सिल के रखा है। जो ज़्यादा चाहिए, जैसे जो नए सिलने वाले हैं उनके लिए ये बहुत सिंपल है, जितनी आपको लंबाई चाहिए, जितने आपको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए उतना आपको फोल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे हमने डबल लिया है, ये दो बंद बाजू है, एक ए और दूसरा ये, तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इस तरह से आता है एक पार्ट, आप चाहे तो इसके अंदर भी एक दूसरे इस तरह से रख सकते हो, नहीं तो अलग अलग करके भी रख सकते हो। इस तरह से आपको ये लेना है, ये देखिए इस तरह से आपको रखना है। उसके बाद इसे हमें एक बार फोल्ड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा तो नीचे के साइड में जितना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था उतना तो हमने फोल्ड कर लिया है। अभी हमें ऊपर के साइड में इलास्टिक डालना है, तो ऊपर के साइड में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक आपको जैसे आपको इलास्टिक कौन सा डालना है, लेकिन हमें एकदम पतला वाला इलास्टिक डालना है, जो आधा इंच का इलास्टिक होता है। तो आधा इंच का इलास्टिक डालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे वो इलास्टिक ज़्यादा टाइट नहीं रहता और छोटे बच्चों को भी वो कंफर्टेबल रहता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसे हमें 2 इंच पे एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पे हमारा ये सीधी लाइन देनी है, जो अंदर के साइड में इस तरह से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। आप चाहे तो ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये 2 इंच पे इस तरह से हमने लिया है और एक मार्किंग किया है, ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से, जैसे
यहाँ पे आपको कपड़ा ज्यादा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे 2 इंच तक ही इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें बॉटम जो है वो ज्यादा पट्टी चाहिए तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, दोबारा इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये 2 इंच पे इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अभी 2 इंच पे इस तरह से फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हमें जितने हमें लंबाई चाहिए थी, ये अंदर के साइड में जितना फोल्ड चाहिए था उतना हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो तैयार पैंट है ये इस तरह से आएगी, ये हमारी 12.5 इंच हमारी तैयार आएगी। अभी 12.5 इंच तैयार आएगी तो यहाँ पे ये फोल्ड हो गया है और अंदर के साइड में भी नीचे के साइड में भी हमने फोल्ड किया है तो यहाँ पे हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो जितनी आपकी लंबाई है लंबाई में आपको नीचे कितना लेना है एक्स्ट्रा उतना आपको एक्स्ट्रा रखना है और ऊपर कितना रखना है एक्स्ट्रा उसको छोड़ के यहाँ से आपको लंबाई नापनी है। इस तरीके से आप लंबाई नाप सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे 2 इंच तो हमारा फोल्ड में ही चला जाएगा, यहाँ पे हम आसन लेंगे 6 इंच पे, इस तरह से यहाँ से ले रहे हैं, यानी कि आसन जो है वो आएगा तैयार हमारा 4 इंच पे। आप 4 साढ़े 4 इंच भी ले सकते हो, जितना हमारा आसन है इतना जो लंबाई है आसन की उतनी आपको यहाँ पे रखनी है। उसके बाद ये देखिए 4 इंच का आसन आता है तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेंगे तो ये 6.5 इंच हो जाएगा और यहाँ से लेंगे तो ये देखिए 4 इंच का आसन लिया है हमने, 1/2 इंच इस तरह से लिया। आपने 4.5 इंच आसन लिया तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा यानी कि सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटम रखना है। अभी इसका बॉटम कितना है ये देखिए, अभी छोटे बच्चे का जो बॉटम है वो आपको रखना है तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे बॉटम रखते हैं और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं यानी कि 5.5 इंच लेते हैं और इस तरह से आपको इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको ये ज्वाइन करना है और ये जो आएगा यहाँ पे ये हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी इस तरह से। अब देखिए यहां से हम इसको कट कर लेते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिंग है। अब देखिए यहां पे तो हमने आसन तो ले लिया, अभी यहां पे हमने कमर का नाप नहीं बताया आपको, ये कमर का नाप भी आपको बता देते हैं। ये देखिए यहां पे हमारा 6.5 इंच कमर का नाप है, 6.5 इंच है तो हम 7 इंच रखेंगे, 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे कट करना है। इसे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको जब इलास्टिक डल जाएगा तो यहाँ पे हमारी ये इस तरह से चुन्नट आएगी तो ये बहुत ही अच्छी पैंट हमारी बन जाती है। अब देखिए इसे मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ कि कैसे आती है हमारी पैंट। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पैर का और दूसरा ये, इसकी सिलाई भी बहुत सिंपल है। ये देखिए अब इसकी हमने कटिंग की है, अब इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के हमारी पैंट जो है वो आ जाती है। अभी इसकी कटिंग मैंने आपको इसकी कटिंग जो है वो मैंने आपको करके दिखाई है, इस तरीके से आएगा ये, इसकी कटिंग मैंने आपको करके दिखाई है तो अभी स्टिचिंग भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ।